उन्हें जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मैं आपको राय नहीं दूंगी। भाई बात करने में हर्ज क्या है? भाई जान नहीं मानेंगे, और भाई भी तो हैं, सब दुख के बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, मैं गांव जा रहा हूं, तुम मेरे साथ गांव चलोगी? एक बार चलकर देखो तो सही रोशन। अरे मेरी खातिर ना सही, अपने बच्चों की खातिर। तुम्हें मालूम तो हो कि तुम्हारे शौहर के पास क्या है। कल को उसकी आंख बंद करने के बाद। अल्लाह ना करे। वालेकुम अस्सलाम। और भाई मुबारक, खैरियत तो है? सुजात भाई, ऐसी क्या बात होगी जो अचानक इस तरह आपने मुझे बुला लिया? आओ अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। भाई मुबारक, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि जोहरा महल में आजकल कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे पहले कभी नहीं हुई, और शायद आगे भी बहुत सी ऐसी बातें हों जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बुलाकर इन बातों से पहले आगाह कर दूं। सुजात भाई, मैं गांव का जमींदार जरूर हूं, मगर मोटे दिमाग का हूं। सब बातें अगर खुलकर की जाएं तो शायद मैं कुछ समझ सकूं। हाँ भाई, सारी बातें खुलकर भी होंगी। मुबारक, पहले आप बैठिए तो सही, ये तो बताएं कि चाय लेंगे या कॉफी। ताहिरा भाभी, सुजात भाई ने जिन बातों का आगाज किया है उन्हें अंजाम तक पहुंच जाने दीजिए तो शायद चाय कॉफी का मजा कुछ बढ़ जाए। देखिए मुबारक, जो बात शुजात आपसे नहीं कर पा रहे हैं वो बात मैं आपसे करूंगी। लेकिन ताहिरा, बात अगर आप मुझे करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप तो बहुत सारी बातें वजाहत भाई से करते रहे हैं पर किसी अंजाम तक पहुंचे हैं आज तक, और नतीजा ये कोहराम मच गया है। अरे वो कल की लौंडिया ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के आपस में उलझने की बजाय अगर मुझसे कुछ कहा जाए तो मैं शायद आपकी उलझनों का कोई हल ढूंढ सकूं। तो सुनिए मुबारक, जब से आपकी लड़की सिमसिम उसने उस टीवी चैनल में क्या काम करना शुरू कर दिया है, एक बखेड़ा सा खड़ा कर दिया है। पहले उसने शुरू किया कि मैं ज़ोहरा खानम की जिंदगी पर एक फिल्म बनाऊंगी, उसके बाद उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि कोई उसके ऑफिस में एक लिफाफा छोड़ गया था। उसके बाद मुन्नी बेगम कौन थी, उसने ठाकुर नवाब अली की तस्वीर बनाकर भी दीवार पर टांग दी। अब तो इंतहा हो गई है मुबारक। और अब वो महबूब जान से पूछ रही है कि तवाइफ और रंडी में क्या फर्क होता है, और क्या ज़ोहरा खानम भी एक तवाइफ थी? उसने ज़ोहरा खानम की वो तस्वीर जो बाहर दीवार पर टंगी थी उसे भी नकली कहकर तोड़ दिया। तो क्या वो पेंटिंग नकली नहीं थी शुजात भाई? क्यों ताहिरा भाभी? मुबारक, हमने तुम्हें यहां सवाल करने के लिए नहीं बुलाया, और शायद तुम्हें अगर एक बात मालूम ना हो तो गौर से सुन लो, हमें छोटों के सवाल करना कतई पसंद नहीं है। शुजात साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि अगर सिमसिम ये सब कर रही है तो अपनी फिल्म के लिए कर रही है, और अगर ये गलत है तो सच क्या है? शुजात भाई, मेरी राय में तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो गलत बातों को भी सही ढंग सही तरीके से ले सके। कर तो रही है मदद रोशन, और जब उनके मदद करने पर बात यहां तक पहुंची है तो जब हम मदद करेंगे तो बात कहां तक पहुंचेगी? देखिए ताहिरा भाभी, अगर हम सब लोग मिलकर। देखो मुबारक, हम दोनों को अकल देने के बजाय आप अपनी बेटी और बीवी को अकल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अभी एहसास होने लगा है कि सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। शुजात भाई, सौतेला भी कभी कभी अपनों से ज्यादा अजीज हो जाता है।
मुनस्सर इस बात पर है कि उसे डील किस तरह से किया जा रहा है। आप एक बार फिर सोच लें कि आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया था। वो कौन से दबे हुए खौफ हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? जल्दी ना कीजिए तो बेहतर होगा। खुदा हाफिज। अरे मुबारक तो चले गए। आपको उनको रोककर यह कहना चाहिए था कि अपनी बीवी और बेटी को यहां से ले जाएं। जोहरा महल भी दुनिया जैसा। जोहरा महल भी दुनिया जैसा। सुल्तान खान। खान बाबा। जोहरा का पहला शौहर मदक नोशी की लत, बीवी को जूते की नोक पर रखने वाला ठाकुर नवाब अली जोहरा का दूसरा शौहर। खान बाबा आप कब आए? बेटे अभी कुछ देर पहले ही। सिम सिम, बेटे मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। जी कहिए। इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ करने की ख्वाहिश रखता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है, लेकिन अगर वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी की इज्जत की कब्र बनाकर उसे रौंदता हुआ जाता है तो अल्लाह भी नाखुश होता है और माफ भी नहीं करता। खान बाबा, अनजाने में हमसे जो गलत बातें हुई थी उसके लिए हमने अन्ना नानी से माफी मांग ली है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। लेकिन खान बाबा, मुझे एक उलझन खाए जा रही है। क्या बेटे? यही कि इंसान कितना मतलब परस्त होता जा रहा है। अपनी आन बान और शान के लिए अपनी ही माँ के वजूद को खत्म कर दिया। कितने पत्थर दिल हैं वो बेटे जिन्होंने ये साजिश की और फिर उस पर अमल भी किया गया, और उन्होंने अपनी ही माँ को एक कमरे में कैद कर दिया। काफी हमदर्द बनती हो तुम, बहुत रहम आता है तुम्हें उन पर। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो अपने बाप से कहो कि उन्हें और तुम लोगों को लेकर चले जाए यहां से। शुजात भाई। मुबारक, तुम पीछे मत बोलो। क्या क्या सिमसिम? हाँ ठीक है ठीक है। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे आज आपसे कुछ सख्त बातें करनी है। सख्त बातें? ये तुम क्या कह रहे हो मुबारक? अच्छा हो अगर आप खामोश रहे। अपनी जबान को लगाम दो मुबारक। मेरे ही सामने मेरे बड़े भाई से सख्त लहजे में बात करने की धमकी दे रहे हो और मैं खामोश रहूं? आप मुझे अपनी रियाया समझते हैं या जर खरीद गुलाम? ईमानदारी से पूछो तो जोहरा महल में तुम्हारी हैसियत रियाया से ज्यादा नहीं है मुबारक। अपनी जुबान को रोकिए शुजात साहब, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? बताऊं मैं क्या कर लूंगा? तुम भी वही करोगे जो सारे एहसान फरामोश करते हैं। ये भूल जाओगे कि जोहरा महल का एक हिस्सा बगैर किसी कीमत के हम भाइयों ने अपनी बहन के नाम रह करके तुम्हारे नाम किया और तुम्हें अपनी छाती पर बसाने की हमने गलती की। मेरी बात सुनो शुजात। और ये गलती इसलिए की। देखिए शुजात साहब, अब अगर आपने आगे कुछ भी कहा तो सब्र का दामन मेरे हाथ से छूट जाएगा। मेरी बात सुनो शुजात। सारी जिंदगी आप ही की बात तो सुनी है लेकिन इस वक्त नहीं सुनूंगा। बहुत सी गलतियां पाली हैं हमने लेकिन अब ये गलती नहीं पालेंगे। हम उस लड़की को अपनी छाती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो औरत के खिलाफ होने वाली सामाजिक नाइंसाफियों की दुहाई देती है और फिर अपने ही घर के मजलूम मुर्दे उखाड़कर हीरोइन बनने के लिए झूठी सच्ची कहानियां गढ़ती है। वजाहत भाई, पूछिए जरा इनसे कि क्या मतलब है इनका ये सब कहने का, जरा साफ साफ बताएं। तुम अच्छी तरह जानते हो मुबारक कि मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर ये भी जानते होंगे आप कि मुझे अपना दामाद बनाने की कोशिश में रोशन को मेरे साथ मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने के लिए हमारे फार्म हाउस पर बार बार मौके निकाल कर आया करते थे आपके बड़े भाई साहब।
मुझे रोशन के साथ बागों की सैर कराने के बहाने तन्हाई में भेजकर मेरे चचा से चिकनी चुपड़ी बातें किया करते थे ये। मुबारक, आपके बड़े भाई का बड़ा बिजनेस था, बड़ा रुतबा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी कोठी थी, आपकी बहन भी पढ़ी लिखी थी, फिर भी मेरे चचा क्यों नहीं राजी होते थे? इसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं और आपके बड़े भाई भी। मुबारक, बदतमीजी पर पठान जूता खींचकर मारते हुए देर नहीं लगाते। क्या तुम मुझे जूते मारोगे? क्या हो रहा है? क्या जूते मारोगे मुझे? भाईजान, इस गांव के गवार से कहिए कि या तो अपनी लड़की की गुस्ताखी पर सजा देकर उसको रास्ते पर लाए या फिर अपनी सरफरी औलादों को लेकर निकल जाए इस घर से। अपनी जलालत को भूलकर अगर आप लोग इस पठान को जलील करना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, ये जोरा महल के हिस्से की जो जमीन आप भाइयों ने शादी की लालच में मेरे नाम की थी, उसे ये गैरतदार पठान पहले ही आपकी बहन के नाम कर चुका है। तू है इस जमीन पर, यहां मुझे एक पल भी नहीं रहना है। नहीं, क्या समझते हैं अपने आप को? मुबारक, क्या 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 हुआ? ये फैसला तुमको और तुम्हारे बच्चों को अभी करना है, तुम मेरे साथ रहोगी या अपने भाइयों के साथ? नहीं, पर बताइए तो सही, हुआ क्या? अब तो बस तुम्हारे भाइयों के हाथों जूते ही खाना बाकी रह गया है मुझे। अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? खुदा ना करे आपके साथ ऐसा और मैं जिंदा बैठी रहूं। तो चलो मेरे साथ इसी वक्त। अरे इतना गुस्सा ना कीजिए, बताइए तो सही, हुआ क्या है? मुबारक, सुनिए तो, मैं इस घर में एक दामाद की हैसियत से आता हूं, रियाया की हैसियत से नहीं। कह देना अपने भाइयों से कि हम जिस पर थूक देते हैं उसे चाटते नहीं। मैं जा रहा हूं। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या सुन रही हूं मैं? और अगर ये सब कुछ मुझे सुनना पड़े तो या अमीर मोमिनीन, जो मैं सुन रही हूं अगर सच है तो मुझे हमेशा के लिए बहरा कर दे, हमेशा के लिए बहरा कर दे। ये क्या हो रहा है? अगर यहां जिंदा रही तो एक दिन अंधे होने की दुआ भी करोगी। चलो मत रो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बेटे, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। अम्मी, अम्मी, मैं अभी आया ही हूं और तुम जा रही हो? सोचा था कुछ देर तुम्हारे साथ बैठकर गपशप करूंगा, तुम्हारी नौकरी की तफसीलात का हालचाल जानूंगा। जी, दफ्तर का एक काम याद आ गया। यही देख रहा हूं, अक्सर मेरे यहां आने पर अगर तुम होती हो तो तुम्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है। नहीं खान बाबा, ये बात नहीं है। कितने बरस हो गए और न जाने कितनी फसलें कट गई। 12 बरस की थी तुम, किसान हूं इसलिए याद है कि वो कुंवार का महीना था जब मैंने तय किया था कि मुझे इस घर में नहीं अपने खेतों पर रहना चाहिए। कभी सोचा तुमने कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया? सोचकर ही किया होगा। तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो? जी हाँ। क्या सोचती हो? यही कि कितना नीच आदमी है, मेरी माँ को दुख देने वाला। सबके अपने अपने दुख होते हैं। होते हैं ऐसे ऐसे कि कलेजा फट जाए। ये जो हवेली है, 25 कमरों की कोठी, इसके फर्श के खूबसूरत कालीन के नीचे से भी कोई ना कोई गलाजत निकल सकती है। जब तक कालीन ना हटे नजर नहीं आएगी। मैं क्या जानूं? क्यों, तुम्हारी नाक में उसकी बू भी नहीं आ रही? बू जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। मैं इस घर की सबसे छोटी औलाद की बेटी हूं, तो क्या देखूं, क्या महसूस करूं? और हम तो बाहर के हैं, औलाद नहीं है यहां की, दामाद हैं इस घर के, इसलिए हमारी तो हर बात देखी जानी चाहिए। खान बाबा, मुझे जाना है।
मैं पूछता हूं, ऐसा क्या देख लिया था तुमने जो बरसों से तुम्हारे मासूम से दिल में नफरत का ही जहर घुल गया है? खान बाबा, ये बात नहीं है। तू जानती है मैंने तुझे कितना प्यार दिया, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा तेरे लिए। तू बीमार पड़ती तो रात रात भर आंखों में काट देता, आंधी पानी में तुझे कलेजे से लगाए डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता था मैं। क्या इसलिए कि तू मुझसे रूठी रहे, बरसों ठीक से बात ना करे, सामने आऊं तो पीठ घुमा ले, आवाज दूं तो बात ना सुने, दो घड़ियां गुजारने को गांव बुलाऊं तो बहाने बनाए, सजाएं दे रही है तू मुझे। पूछा तूने कभी अपने इस चाहने वाले बाप से कि बाबा ऐसा क्यों हुआ? बेटी, हम वो पठान हैं जहां गंदगी की एक छींट गिरे हम जिस्म का वो गोश्त काट कर फेंक देते हैं। हमारे घर की मक्खी भी अगर जीती है तो सर बुलंद होकर, वरना किसी मकड़ी के जाले से लिपट कर खुदकशी कर लेती है। तू आखिर हमारा खून ही तो है। अगर तेरा जमीर कहता है कि हम आवारा हैं, जलील हैं, हरामकार हैं, तो मुझे हैरत है कि तू अब तक जिंदा कैसे है। शर्म से जमीन में गड़ क्यों न गई? क्यों जलील उखार कर रही है हमारे खून को बेटी? जा, मर जा। नहीं खान बाबा, ये बात नहीं है। मेरे बच्चे। बेटा सैमसन, बेटा सैमसन, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? हाँ, वो ताला जिसे तुम हथौड़े से तोड़ना चाहती थी ना, वो हटा दिया गया है। सच अम्मी? हाँ, हालांकि तुम्हारे बड़े मामूजान अब भी यही चाहते हैं कि वो हटाया ना जाए।